नमस्कार, मैं आपके साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज सहकारी विभाग द्वारा 3 अलग अलग स्थानों पर मनाया गया सुशासन दिवस। छजराइट ब्लॉक स्तर पर सहकारी विभाग द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया। ब्लॉक छजराइट में प्रवक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया एवं वक्ताओं द्वारा किसानों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, जिला विकास अधिकारी एस के उपाध्याय, SDM हिमांशु वर्मा, खंड विकास अधिकारी जगमोहन गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता नरराज नारायण आदि उपस्थित रहे। लेकिन आप मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में फसल की कटाई थी, उपार्जन गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजस्व को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए कोई फर्क आया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन में तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार ये कृषि सम्मान है। आज का बजट 6 गुना आगे यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ये संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान है।